अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अर्णव जी प्लीज मम्मी जी को माफ कर दीजिए। हाँ हम जानते हैं कि आपका दिमाग इन सब बातों को नहीं मानता, लेकिन यहां बात दिल की है और वो भी एक मां के दिल की। प्लीज मम्मी जी को माफ कर दीजिए। ई तो हमने केवल आल्टी मारी और अब हम मारेंगे पलटी। वाह बिटवा वाह, अभी तक अम्मा पे फटे पड़ रहे थे लेकिन जब अपनी पत्नी की बारी आई तो मुंह में गोलगप्पा। मम्मी आप, आपके साथ ना मुझे बिना सर पैर की बहस करनी ही नहीं है, और भी बेहतर काम है मेरे पास। आधे घंटे में मेरा मुंबई से कॉल आना, मेरा जॉब का फाइनल राउंड है। और एक बात ना मेरी क्लियरली सुन लीजिए आप, अब की बार पल्लवी मेरे साथ मुंबई जाएगी, फिर चाहे आपका राहु बीच में आए, केतु बीच में आए, आप खुद बीच में आए, पल्लवी मेरे साथ मुंबई जाएगी। ये तूफान गुजर गया बस इतना ही काफी है, अब पल्लवी मुंबई जाएगी या ना ही जाएगी ये बाद में देखा जाए। सारी खुदाई एक तरफ और अपने देवर के भाई एक तरफ, बिटवा को तो संभाल लिए लेकिन बिटवा के बाबूजी को संभालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। रक्षा कर लो, रक्षा। आपने जानबूझकर फैन ऑन किया था ना ताकि मम्मी जी का सच सबके सामने आ जाए। नहीं, यहाँ उन्हें सब लोग बहुत अच्छे से जानते पल्लवी जी, हमने ऐसा इसलिए किया ताकि उनका सच आपके सामने आए और जो आपके साथ हुआ वो दोबारा ना हो पाए। आप भाई साहब के साथ मुंबई जाएं। आप हमारे बारे में इतना सोचते हैं उसके लिए थैंक यू। अब दोस्ती की है आपसे तो निभानी तो पड़ेगी। लेकिन आपने सुना ना, हम नहीं मानते कि मम्मी जी ने हमारे साथ कुछ बुरा करने के लिए या फिर वो हमें नुकसान पहुंचाना चाहती थी। ऐसा करने से उनके अपने बेटे, हमारा मतलब है अर्णव जी को भी तो तकलीफ पहुंची, और एक माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकती। हाँ पल्लवी जी आप सही कह रही हैं, लेकिन फैसला जब सच और झूठ के बीच होता है ना तब रिश्ते नहीं देखे जाते। हम जानते हैं मम्मी जी आपके लिए अपनी माँ जैसी हैं, हम जानते हैं आप उनकी कितनी इज्जत करते हैं, उनकी कोई बात नहीं डालते, तो फिर हमारे लिए ऐसे यूं उन्हें सबके सामने शर्मिंदा कर देना। शिवा ने जो किया बिल्कुल ठीक किया बेटा। बबली ने जो किया वो गलत किया, पर उसकी नीयत साफ थी बेटा। इसी तरह शिवा ने जो किया वो तुम्हारी भलाई के लिए साफ नीयत से किया, भले ही उसका तरीका तुम्हारी नजरों में गलत हो, लेकिन असली बात तो नियत की भी होती है ना बेटा। हाँ पल्लवी जी, और हमारी इस बात से अगर आपको तकलीफ पहुंची हो तो आई एम सॉरी, हमारा इरादा आपको तकलीफ पहुंचाने का नहीं था। हम जानते हैं शिवा सर, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है। उसे रिक्वेस्ट बोलते हैं जी? वही, आप दोबारा ऐसा कुछ मत कीजिएगा। हे भगवान जी, अब हमारी नैया की खेवैया आप ही हो,
श्री श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी को हमने झूठ के बारे में पता चल गया है। कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में आके वो हमका तलाक दे दे। तमाशा करने की आदत तुम्हारी बहुत पुरानी है, अच्छे से जानते हैं हम, लेकिन अपने ही घर में इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दोगी तुम, इस बात का अंदाजा नहीं था हमें। देखिए हमें विश्वास कीजिए, जब हम ये तमाशा किए ना हमको बहुत ही छोटा लगा था, इतना बड़ा हो जाएगा ये का अंदाजा नहीं था हमका। ये देखो हमका माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, वो बिटवा का मोह हमारी आंखों के सामने पर्दा बंद के रह गया, ये बात जो सामने था। बस करो बबली, मत भूलो तुम्हारे सामने तुम्हारा पति पुरुषोत्तम शास्त्री खड़ा है, तुम्हारी भोली भाली बहु पल्लवी नहीं। अपनी ये नौटंकी उसके लिए बचा कर रखो, हमें मत दिखाओ। ओके ओके, औरतों के परशुराम कभी नहीं पड़े और ना ही पढ़ना चाहते, लेकिन अगर हमरे सामने हमरे घर की कोई शांति भंग करेगा तो चुप नहीं बैठेंगे हम। अर्णव जी, आप हमसे नाराज तो नहीं है ना? होऊंगा भी सही तो किसे पड़ी है, तुम तो मम्मी का साथ ही देने वाली हो हमेशा। वो बात नहीं थी अर्णव जी, आपने देखा ना मम्मी जी कितनी शर्मिंदा हो गई थी, सबके बीच में बिल्कुल अकेली पड़ गई थी वो। अगर ऐसे में हम भी उनका साथ नहीं देते तो कितना खराब लगता उन्हें। हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं, आप ही बता दीजिए कि हम कैसे माफी मांगे, कि आप हमें माफ कर दें, कैसे भी कुछ भी, आप जो भी कहेंगे हम वो करेंगे। सासू माँ ने मेरी कदर न जानी, सोमवार से शनिवार रात 10 बजे दंगल प्ले ऐप पर।